हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल सिटी टेक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत ही बहुत स्वागत है। और आज मेरी वीडियो उन मेरे फ्रेंड्स के लिए है जिनके माइंड में थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जो इंडिया से कनाडा जाना चाहते हैं, जिनका वीज़ा भी आ गया होता है, और उनके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं कि यार हम फ़्लाइट कैसे लेंगे, हम कनेक्टिंग फ़्लाइट में कैसे जाएंगे, हम स्टडी परमिट कैसे लेंगे। तो ये वीडियो मेरे उन्हीं फ्रेंड्स के लिए है। और दोस्तों, अपन एक अज्यूम कर लेते हैं कि अपनी फ़्लाइट है इंडिया से टोरंटो कनाडा। इंडिया में अपन कंज्यूम कर लेते हैं, अपन दिल्ली से जा रहे हैं और अपनी वन स्टॉप फ़्लाइट है हीथरो। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओगे, या इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाओगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पर आपको अंदर एकदम से एंट्री नहीं मिलेगी, आपको वहाँ एक गार्ड मिलेंगे। तो उनके उनको आपको अपना पासपोर्ट और अपनी इटिनरी दिखानी होगी, उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी। और जैसे ही आपको एंट्री मिलेगी, आपको सबसे पहले एक टीवी ढूंढना है, बहुत सारे टीवीज़ होंगे वहाँ पर लगे हुए होंगे, और वहाँ पे किसी कोई सा भी एक हो जाएगा। उसमें आपको अपना फ़्लाइट नंबर देखना है, उस फ्लाइट नंबर के आगे अल्फ़ाबेट लिखा होगा जहाँ उस फ़्लाइट का काउंटर होगा। मान लीजिए आपकी फ़्लाइट जेट एयरवेज़ की है, आपका फ़्लाइट नंबर आपके पास है और आपने एक अल्फ़ाबेट देख लिया उसके आगे, तो आपको सिंपली उस अल्फ़ाबेट पर चले जाना है जहाँ उस फ़्लाइट का काउंटर होगा। वहाँ पर दोस्तों आपको तीन तरीके की लाइन्स मिलेंगी, एक वेब चेक इन की मिलेगी, एक इकोनॉमी की मिलेगी और एक बिज़नेस क्लास की मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपने पहले से सीट सेलेक्ट कर रखी है फ़्लाइट की, तो आपको वेब चेक इन की लाइन में जाना है। और दोस्तों, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पर लाइन थोड़ी छोटी मिलेगी आपको, इकोनॉमी की बहुत लंबी लाइन होती है, तो अच्छा ये होगा कि आप पहले से सीट सेलेक्ट कर लें। तो आप दोस्तों, आप किसी भी लाइन में चले गए, उसके बाद आपका जब नंबर आएगा तो वह आपसे ऑफ़र लेटर मांग सकते हैं। तो आपको उनको अपना ऑफ़र लेटर और पासपोर्ट दिखाना है और अपनी टिकट दिखानी है, और फिर वो आपको कहेंगे कि एक लगेज बेल्ट पर रख दीजिए। आप जैसी लगेज बेल्ट पर रखेंगे, उसका वेट कर लेंगे, वेट एक्यूरेट होगा, प्रॉपर होगा, तो आपके उस आपके लगेज पर टैग लगा दिया जाएगा और लगेज आगे चला जाएगा। फिर वो आपको कहेंगे कि आप अपना दूसरा लगेज रखिए। अपना दूसरा लगेज रखेंगे, उस पर भी वेट हो जाएगा, टैग लग जाएगा और वो लगेज आगे बेल्ट पर चला जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको वो लोग आपका पासपोर्ट वापस दे देंगे, आपको आपकी टिकट वापस दे देंगे और साथ ही में आपको आपका बोर्डिंग पास दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास अपना होगा हैंडबैग, पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, टिकट की अब ज़रूरत नहीं आएगी। और फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ना आप अपना हैंडबैग बेल्ट पे ना रखें, क्योंकि वो आपको अपने साथ ही रखना है। तो जैसे ही फ्रेंड्स आपके पास अपना लगेज चेक इन हो गया आपका और आपके पास अपना बोर्डिंग पास आ गया है, तो आपको जाना है इंटरनेशनल डिपार्चर पर। फ्रेंड्स, आप इंटरनेशनल डिपार्चर पर जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा ऑल पासपोर्ट होल्डर्स। आप किसी भी लाइन में चले जाइएगा, वहाँ आपको अपना सिक्योरिटी चेक करवाना है। सिक्योरिटी चेक, जैसे आप मॉल में जाते हैं, एक मशीन के थ्रू अंदर एंटर होते हैं, मेटल डिटेक्टर मशीन होती है वो, वैसे ही आपको सिक्योरिटी चेक बिल्कुल वैसा ही होगा। और साथ ही में एक बेल्ट चल रही होगी, तो बेल्ट पे आपको जो भी आपने मेटल की चीज़ पहन रखी है, जैसे कि बेल्ट हो गई या घड़ी हो गई, तो वो आपको उतार के ट्रे में रख देनी है। और आपने जो जैकेट पहन रखा होगा, वो भी आपको उतार के ट्रे में रख देना है, घड़ी और बेल्ट के साथ में। और दूसरी ट्रे में आपको अपना हैंडबैग रख देना है। तो आप ये मेक श्योर हो जाइएगा कि आपके पास कोई मेटल की चीज़ नहीं हो जो डिटेक्ट हो सके। फिर वो बेल्ट से आपका सारा सामान स्कैन हो जाएगा और आप मेटल डिटेक्टर से आप खुद स्कैन हो जाएंगे। उसके बाद आपको सारी चीज़ें ले लेनी है और पहन लेनी है, घड़ी और बेल्ट, और आपको अपना जैकेट पहन लेना है और हैंडबैग होगा आपके पास में। फिर दोस्तों, आपको जाना है गेट पर। गेट जो लिखा होगा वो बोर्डिंग पास में लिखा होगा। तो आप अपने गेट पर पहुँच जाइएगा, करीबन 10-15 मिनट का रास्ता होता है वहाँ से, और आप अपने गेट पे पहुंच जाइएगा। उसके बाद आप किसी से भी चेक करवा लीजिएगा कि मैं सही गेट पे हूँ या नहीं, या सही गेट चेंज तो नहीं हो गया है। उसके बाद आप जब कंफर्म हो जाएंगे, तो फिर जब बोर्डिंग का टाइम आएगा तो बोर्डिंग का अनाउंसमेंट हो जाएगा और आपको सिंपल फ्लाइट में बोर्ड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप पहुँच जाएंगे अपने वन स्टॉप पर, जो कि है अभी अपन अज्यूम करके चल रहे हैं अपना हीथ्रो है। हीथ्रो पर जैसे ही आप जाएंगे, तो वहाँ आपको जैसे ही आप फ्लाइट से उतरेंगे, तो वहाँ आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी। एक होगी लगेज की, लगेज स्लैश एग्ज़िट, दूसरी होगी ट्रांसफ़र फ्लाइट या कनेक्टिंग फ़्लाइट। क्योंकि आपकी फ़्लाइट टोरंटो में वापस है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जाना है कनेक्टिंग या ट्रांसफ़र फ़्लाइट में। जो आपका लगेज होगा वो डायरेक्ट आपको टोरंटो ही मिलेगा, तो आपको जाना है कनेक्टिंग और ट्रांसफ़र फ़्लाइट में। तो वहाँ आप जाएंगे, तो वहाँ आपको एक सिक्योरिटी चेक से वापस फेस करना पड़ेगा जो आपने इंडिया में किया था, इंडिया एयरपोर्ट पे किया था, वैसे ही सिक्योरिटी चेक वापस होगा। फिर आपको वापस गेट पे जाना है। अब गेट दोस्तों, आपको बोर्डिंग पास में शायद ना लिखा हो, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पर वैसे ही टीवी लगे होंगे, वहाँ पे जो आपकी दूसरी फ्लाइट है जिस पे आप उड़ान भरेंगे, उसका फ़्लाइट नंबर होगा,
और उसके आगे गेट लिखा होगा। अगर आपको टीवी नहीं मिलता है या कुछ होता है तो आप सिंपल वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं अपना फ़ोन और उसमें गूगल कर सकते हैं फ़्लाइट नंबर स्टेटस। तो आपको आपके पास पूरा स्टेटस आ जाएगा कि आपका गेट कौन सा है। आप उधर जाएंगे और वहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको बोर्ड कर लेनी है फ़्लाइट। तो दोस्तों मेक श्योर कि आपका जो गेट हो आप रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते रहें, क्योंकि गेट्स चेंज भी होते रहते हैं। तो दोस्तों अब आप पहुंच जाएंगे टोरंटो। दोस्तों टोरंटो आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद वहां पर आपको एक फॉर्म भरा जाएगा जो कि चेक इन फॉर्म होगा, और वो आपको कंप्यूटर पे भी भरा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ी बहुत उसमें डिटेल्स मांगी जाएगी आपसे कि आप क्या क्या लाए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, वो सिंपल सा ही होगा। तो आपको सिंपली वो फॉर्म भर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना लगेज कलेक्ट करना है। आप अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपको जाना है स्टडी परमिट लेने। स्टडी परमिट आप लगेज कलेक्ट करने के बाद जाएंगे। तो आपको आप स्टडी परमिट लेने जाएंगे, वहाँ पर आपसे थोड़े बहुत शायद क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और सिंपल से ही होंगे, वो भी इमिग्रेशन ऑफिसर से। और फिर वो आपको आपकी स्टडी परमिट दे देंगे और फिर से आप एग्ज़िट कर इंडिया से सकते डायरेक्ट टोरंटो है, तो आपको जो हीथ्रो वाली मैंने जो स्टेप बताया है वो हटा देना इसमें से। जैसे कि आपको डायरेक्ट आपने इंडिया पे बोर्डिंग कर ली और उसके बाद आपको डायरेक्ट फ्लाइट टोरंटो में चली जाएगी, और टोरंटो में आपको सीधा अपना हैं। लगेज जी कलेक्ट फटाफट, क्योंकि अभी विंटर्स है यहाँ पर और टेम्परेचर माइनस में है। और कनाडा बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत ही अच्छी कंट्री है। यहाँ पे सब लॉज फॉलो करते हैं और सब एक दूसरे के लिए मिलकर रहते हैं। तो आप आइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये कंट्री। और मैं आपको बाहर का थोड़ा व्यू बता देता हूँ, लाइक बर्फ़ की चादर बिछी हुई है बाहर, ऐसा है। थैंक्स इसे देखने के लिए, और प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें। आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा विद इन 1 to 2 days। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है कनाडा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए आपके लगेज में, क्या क्या नहीं लेके आना है, और जो फॉर्म है इमिग्रेशन का जो आप टोरंटो में भरोगे या आप कभी कहीं और भी जा रहे हो कनाडा में वहाँ भरोगे, तो वो फॉर्म भी मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स थैंक्स देखने के लिए वीडियो मेरी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।